अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक होटल में स्टे के लिए आया हूँ और ये एक बिजनेस पे दुबई में 4-स्टार होटल है और इसका नाम है रेवियर दुबई होटल। सबसे पहले आपको होटल का विजिट करवाते हैं, इसका रूम, जिम, पूल, जो भी बाकी फैसिलिटीज हैं वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा मैं किस तरह होटल की बुकिंग करता हूँ, कौन सी ऐप यूज करता हूँ या किस तरह मतलब कि अच्छे से अच्छे होटल आप कम से कम पैसों में विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेवियर रूम देखते हैं। रूम इनके काफ़ी स्पेशियस हैं। ये एंटर होते ये हॉल है और बेडरूम अलग से साथ में। ये कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स और कैटल और साथ में टी कॉफ़ी। और ये आप बेडरूम में एंटर हो तो आप ये देख सकते हैं रूम इनका। रूम का फर्नीचर, डेकोरेशन, इंटीरियर सब ज़बरदस्त था, मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी होटल्स मैंने स्टे किए हैं लेकिन इनका ज़रा डिफरेंट था। ये बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम और इसका भी आप मिरर वगैरह देखें, शावर वगैरह देखें तो ज़बरदस्त। रूम से ये बिजनेस बे का व्यू है और हॉल से भी आपको बुर्ज खलीफा का और वो जो कनाल है वहाँ पे उसका व्यू मिलता है। ये भी यूनिक था, आपको हर जगह ऐसा नहीं मिलता। अभी नीचे चलते हैं और वहाँ पे पूल, रेस्टोरेंट और जिम देखते हैं। ये थर्ड फ्लोर पे आपको लिफ्ट से बाहर निकलते ही ये सामने रेस्टोरेंट मिलेगा। और रेस्टोरेंट के ऐसे साथ ही आप आगे जाएंगे तो ये बाहर की साइड पे पूल भी है। ये पूल के पास उन्होंने ये शीशा पीने के लिए या बाहर आउटडोर जगह बनाई हुई है। और ये रहा रेवियर पूल, ये थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट के बाहर वाली साइड पे आपको मिलेगा। जिम जो है वो फोर्थ फ्लोर पे है, यहाँ पे आपको ट्रेडमिल वगैरह, वेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप लाइट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये खूबसूरत होटल लॉबी, ये आई थिंक ब्रांड जो है, होटल जो ब्रांड है वो ऑस्ट्रिया का है और इनका एक ही होटल यूएई में है और वो यही है। अभी ये होटल आपने देखा होगा और दुबई में ऐसे हजारों होटल्स हैं जहां आप भी स्टे कर सकते हैं। अभी तक जितने भी होटल्स में मैं गया हूँ वहाँ मैंने देखा है कि पाकिस्तानी या इंडियन लोग जो हैं, एशियन लोग जो हैं वो कम ही होते हैं। इंडियन फिर कहीं आपको दिख जाएंगे फैमिलीज के साथ लेकिन पाकिस्तानी तो बहुत ही रेयर होगा कहीं दिखते हैं। तो आप भी स्टे कर इसी टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत है, इन होटल्स में स्टे करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत है। आप कोई भी होटल्स बुकिंग की ऐप जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से अगोदा है, booking.com है, मेक माई ट्रिप है, काफ़ी हैं, अल मुसाफिर है, जो भी आपको इजी लगती है यूज़ करना आप वो अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा खुद भी प्लान करना पड़ेगा कि आप, जैसे मैंने ये होटल स्टे कर रहा हूँ तो मैंने प्लान किया था मैं बिजनेस बे या डाउनटाउन के पास रहना चाहता हूँ, तो फिर आप ऐप में दुबई या शारजा या अबू धाबी जहाँ भी आपका प्लान है स्टे करने का आप वो लोकेशन भी डाल सकते हैं या सिटी नेम भी डाल सकते हैं, आपके पास होटल की लिस्ट आ जाएगी।
उस होटल लिस्ट में आप होटल सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, या वैसे अगर कोई आपको होटल पसंद है उसको देख के आप होटल सेलेक्ट करें। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, अगर अप्रैल में आप फॉर एग्जांपल होटल बुक कर रहे हैं या स्टे करना चाहते हैं अप्रैल में या मई में, तो आपने होटल जो बुकिंग करनी है वो 2 से 3 महीने पहले करनी है, आपको बेहतर रेट मिल सकता है। कई दफ़ा हफ्ता 10 दिन पहले भी वही रेट मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं अगर आप 2-3 महीने पहले बुक करते हैं आपको बेहतर ऑफर हो या अच्छी प्राइस मिल जाती है। उसके अलावा एक और बात बताते चलूँ, दुबई में खास तौर पे विंटर में जो होटल्स की प्राइसेस होती हैं वो हाई होती हैं, और जो समर में प्राइसेस होती हैं वो लो होती हैं, क्योंकि सीजन टाइम होता है विंटर में, यहाँ टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आए हुए होते हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। समर में अगर आपने होटल स्टे वगैरह करना है तो आपको काफ़ी अच्छे होटल्स की, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल्स की बहुत मुनासिब प्राइस मिल जाती है। आपको आराम से 3-स्टार होटल्स, 4-स्टार होटल्स, इवन 5-स्टार होटल्स जो हैं वो 200 से 300 दिरहम की प्राइस में मिल जाते हैं। कभी कभी अच्छी ऑफर हो तो इससे कम में भी मिल सकते हैं। और अगर आप 1 महीने में या 2 महीने 3 महीने में जब भी 100-150 शेयर करके ऐसे होटल स्टे कर सकते हैं, और कुछ होटल्स के साथ आपको इतने में ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है और कुछ में नहीं भी होता, वो आप चेक कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वर्थ रहता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।